त्रिपुरा के चुनावी मौसम में गर्मी है और फिलहाल तैयारी चल रहा है त्रिपुरा विधानसभा चुनाव का। 16 तारीख यानी गुरुवार को यहाँ पर जो 60 विधानसभा सीट है त्रिपुरा के, वहाँ पर चुनाव होने जाने वाले हैं और जिसकी तैयारी पहले से शुरू हो चुकी है। फिलहाल हम हैं आगरतला के जो DCRC ऑफिस है वहाँ पर, हमको दिखा आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से वोट कर्मी है वो यहाँ से जो EVMs का डिस्ट्रीब्यूशन वो यहाँ से किया जा रहा है। उसके साथ साथ तमाम मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए त्रिपुरा के इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए 400 कंपनी सेंट्रल फोर्सेस के तैनाती कर दी गई है और काफ़ी सारे इलाकों में जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया गया है। काफ़ी सारे जगह जहाँ पर चुनाव होने हैं, जहाँ पर वोट डालने के लिए मतदाता जाएंगे, वहाँ पर धारा 144 लागू कर दिया गया है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए अब मतदान में चंद घंटे रह गए हैं। इससे पहले मंगलवार को प्रचार अभियान समाप्त हो गया। चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ राज्य चुनाव आयोग भी पूरी तरह से तैयार है। सूबे में शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के खासा इंतजाम किए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी गिट्टे किरण कुमार दिनकारो ने कहा है कि चुनाव के लिए 56,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। पूरे राज्य में धारा 144 लागू की गई है। हमारे सभी पोस्टल बैलेट की कार्रवाई पूरी हुई है। करीब 56,000 से ज्यादा चुनाव कर्मी, पुलिस कर्मी, उन्होंने पोस्टल बैलेट का योगदान उन्होंने दिया है। जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन राज्य में शांततापूर्ण रहे, इसलिए हमने आज रात को 10 बजे से कल सुबह 6 बजे तक हमने 144 CRPC के ऑर्डर इशू किए हैं पूरे राज्य में। तो इससे और भी शांति प्रस्थापित करने के लिए मदद होगी। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए 16 फरवरी को मतदान होगा और रिजल्ट 2 मार्च को आएंगे। राज्य में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं। इस बार राज्य में 259 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। राज्य में कुल 3,328 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय सीमा व त्रिपुरा से लगने वाले राज्यों की सीमा को चुनाव तक सील कर दिया गया है। प्रदेश में 72 घंटे का प्रोटोकॉल लगाया गया है। इस बार त्रिपुरा चुनाव में कड़ा मुकाबला है। बीजेपी के लिए PM मोदी, JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, UP के CM योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा सहित 40 से ज्यादा स्टार प्रचारकों ने धुआंधार प्रचार किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और वाम गठबंधन ने भी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस बार तीसरी ताकत के रूप में टिपरा मोथा पहली बार किस्मत आजमा रहा है जो किंग मेकर की भूमिका में आ सकता है।